बाल इंसान की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, इसलिए इनका टूटना और झड़ना किसी को भी गवारा नहीं। लेकिन अक्सर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमसे अनजाने में हो रही होती हैं। अक्सर लोग काम पे या स्कूल कॉलेज जाने की जल्दी में सर में तेल लगाकर मसाज करना अवॉइड करते हैं। कौन अब टाइम लगाए और एक डेढ़ घंटा वेट करे। बट माई डियर फ्रेंड्स, ये टाइम वेस्टेज नहीं है, बल्कि अगर आप ये थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट कर लो तो ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़िया कर सकती है। तेल लगाने से जो मसाज होती है वो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि मसाज हल्के हाथ से करनी है और फिंगर्स को सर्कुलेशन मूवमेंट में घुमाते हुए करनी है। तेज हाथ से की गई मसाज बालों को और उलझा देगी। टाइम मैनेजमेंट करना चाहो तो सर नहाने से एक रात पहले भी आप ऑयल लगा सकते हो। गर्म पानी से सर नहाने की गलती जो लोग करते हैं वो अपने बालों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर नहाने के लिए ना ठंडा पानी यूज़ करें ना गर्म, ये दोनों ही बालों के लिए ठीक नहीं। इसके लिए पानी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर बाल अधिक गंदे हों तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को हर्बल पाउडर और हर्बल शैम्पू से धोएं। बालों पे शैम्पू लगाने से पहले उन्हें अच्छे से गीले ज़रूर करें। बहुत अधिक शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। शैम्पू को उंगलियों से बालों की जड़ों में लगाएं और उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए झाग निकालें। जितना शैम्पू सिर से बहकर बालों में आता है वो काफ़ी होता है बालों को साफ करने के लिए। शैम्पू के बाद बालों को अच्छे से पानी से धो लें ताकि शैम्पू पूरी तरह निकल जाए। बालों के पानी को अच्छे से निकाल कर यानी निचोड़ कर फिर उस पर कंडीशनर लगाएं। इससे आपके बाल उलझेंगे नहीं। कंडीशनर लगाते हुए बालों के सिरे यानी एंड्स पर अच्छे से लगाएं, क्योंकि नीचे के बाल अधिक रूखे होते हैं, इसलिए इन पे कंडीशनर अच्छे से लगाना चाहिए। 5-7 मिनट के बाद बालों को पानी से धो लें। कंडीशनर लगाने के बाद लटकते हुए बालों को ठंडे पानी से धोना बालों की सेहत के लिए बढ़िया है, ताकि बालों के क्यूटिकल्स बंद हो जाएं और इनकी चमक और नमी बरकरार रहे। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर बाल बहुत गंदे नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उन पे दो बार शैम्पू लगाएं। एक सप्ताह में भी बालों को दो बार से अधिक ना धोएं। बार बार बालों को धोने से बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं। अगर आपका काम ऐसा है कि आप अधिकतर बाहर रहते हो और आपको पसीना भी बहुत आता है, तो आप बिना शैम्पू के भी बालों को पानी से धो सकते हैं, जिससे आपको फ्रेशनेस का आभास हो। गीले बालों को ज़ोर से टॉवल से रगड़े नहीं और ना ही टॉवल से झटकें, बल्कि बालों को कुछ देर टॉवल में बंद रहने दें। कुछ देर बाद बालों को खोलें और हल्के हाथ से उंगलियों से उन्हें सुलझाएं। उन्हें हेयर ड्रायर या ब्लोअर से कभी ना सुखाएं। इनकी हीट से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, बस उन्हें नेचुरली सूखने दें। कंघी करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पहले वाइड टूथ यानी मोटे दंदों वाली कंघी का इस्तेमाल करें और फिर बारीक। मार्केट से मिलने वाले बहुत से ब्रश अक्सर बालों को और उलझा देते हैं, जिससे बहुत से बाल टूट कर ब्रश से लिपट जाते हैं। ऐसे ब्रशेज से बचें। जल्दी में गीले बालों को बांधने से या रबर बैंड डालने से भी बाल खींचने से कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। वैसे भी पोनीटेल को हमेशा अवॉइड करें। आजकल बालों को डिफरेंट कलर से डाई करने का बहुत ही फैशन है। इन द लॉन्ग रन ये डाइज हमारे बालों की चमक को ख़त्म कर उन्हें वीक कर देती हैं और अर्ली ग्रेइंग को इन्विटेशन देती हैं। डाइड हेयर वाले तो गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं, क्योंकि इससे डाई बाहर निकल आती है। इसके साथ साथ मेजर रोल डाइट का भी है, जो बालों को मजबूत रखती है और उनकी ग्रोथ को बढ़िया करती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, एग्स, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स को अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए। 7-8 ग्लासेस पानी पीना ना भूलें। रोज 15 मिनट्स की एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिट और बालों की ग्रोथ को बढ़िया करेगी। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।